हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किचन टूल्स। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हुआ हूँ इलेक्ट्रिक केटल, जो कि सबसे सस्ती, जी हाँ आप कह सकते हो सबसे सस्ती और सबसे बढ़िया इलेक्ट्रिक केटल है। इसके काफी सारे अच्छे रिव्यूज हैं, जो कि मैं आपको इसे अनबॉक्स करके दिखाऊंगा, फिर आपको रिव्यूज भी बताऊंगा इसके, और साथ ही साथ इसके मैं प्राइसिंग भी आपको रिवील करूंगा। स्काईलाइन कंपनी की 1.8 लीटर इलेक्ट्रिक केटल है, जिसका इस तरीके से कलर्ड बॉक्स है, जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। अब मैं इसे अनबॉक्स करता हूँ। इस तरीके से सबसे पहले इसकी कोड है, विद प्लेट है, आफ्टर डेट वन इलेक्ट्रिक केटल, जिसकी कैपेसिटी है 1.8 लीटर, जो कि अपने आप में ही पूरी स्टील लुक के अंदर है और काफी सुंदर है देखने में भी। इस तरीके से कंपनी ने इसमें इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया हुआ है कि आपने इसे कैसे यूज करना है, एंड उसके बाद एक ये वारंटी कार्ड है, जिसमें कि वारंटी कंपनी देती है 1 ईयर की, जिसमें कि मिसहैंडलिंग इंक्लूड नहीं होता, और सेकेंड चीज आपका ड्राई हीट इंक्लूड नहीं होता। ड्राई हीट मोस्टली लोग कर देते हैं गलती से, वो क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ड्राई हीट क्या होता है, जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक केटल है, खाली इलेक्ट्रिक केटल है, और आपने इसको प्लग इन करके ऑन कर दिया। प्लग इन करके ऑन करने से और इसके अंदर पानी ना होने से वो ड्राई हीट होती है और उसका एलिमेंट काला हो जाता है और वो फिर खराब हो जाती है, जो कि आउट ऑफ वारंटी चली जाती है, और कंपनी को पता रहता है कि ड्राई हीट होने के कारण ही नहीं चल रही, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अब इसके बाद इसकी अगर मैं लुक्स की बात करूं, टोटली स्टील के अंदर है, काफी सुंदर है, हैंडल में काफी अच्छा गैप दिया हुआ है बीच में, ताकि गर्म ना लगे, और यहाँ पे भी प्लास्टिक का पार्ट है ताकि गर्म ना लगे, इजीली आप इसे कैरी कर सके। इस तरीके से ऊपर बटन है, स्विच है, कि आपने इसे ओपन करना है तो बटन दबा के आपने ओपन कर लिया। इसके अगर मैं माउथ की बात करूं, तो इतना वाइड माउथ है कि आप इजीली इसमें अपना हाथ डाल के इसे साफ कर सकते हैं। क्लीनिंग में काफी इजी होता है कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट में हाथ डाल के साफ कर रहे हैं तो वो इजीली क्लीन हो जाता है। इस तरीके से नोजल है कि जब आपने इसे पोर करना है, जैसे कि आप गर्म पानी पोर करें तो इजीली वो पोर हो सके, ये काफी अच्छी चीज है बाय स्काईलाइन के। नीचे से अगर मैं बात करूँ, तो नीचे नॉर्मल बॉडी है, नॉर्मल तरीके से इसे बिल्ड किया हुआ है कंपनी के द्वारा। मॉडल नंबर है इसका 5008 VTL 5008 इसका मॉडल नंबर है, विद 1 ईयर की वारंटी। अगर मैं इसकी वॉट्स की बात करूं, तो 1500 वॉट के अंदर है। जी हाँ, 1500 वॉट अपने आप में ही काफी अच्छा वॉट हो जाता है। अगर आप इसमें पानी डाल रहे हैं तो विद इन फ्यू सेकेंड्स ही वो आपका इसमें गर्म कर देता है पानी, और विद इन मिनट्स आपका पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है। ये काफी एक अच्छा पॉइंट है, 1500 वॉट अपने आप में ही ज्यादा बढ़िया है। ये इस तरीके से इसकी डिस्क है, जैसे कि मैंने आपको बताया कॉर्डलेस है, तो कॉर्ड आपकी यहाँ पे है, आपने इसमें लगाया चालू, इसमें लगाया प्लग इन कर, अनप्लग करके आप इसे यूज कर सकते हैं। कोड की अगर मैं बात करूं, तो कंपनी ने कोई ज्यादा खास बड़ी कोड नहीं दी है, बिल्कुल छोटी सी कोड है इस तरीके से, जैसे आप देख पा रहे होंगे। तो आप जब भी इसे ले रहे हो, नॉर्मली क्या होता है इलेक्ट्रिक केटल, ये नहीं किसी भी इलेक्ट्रिक केटल की बात करूं, कोड हमेशा कंपनी छोटी ही देती है, ताकि आप इजीली उसके सामने खड़े रहकर उसे यूज कर सके, आप उसे छोड़ के कहीं इधर उधर ना जाए, ये भी एक रीजन रहता है छोटी कोड का। और कोड इसमें दो, इसमें इस तरीके से आपका स्विच हो गए, आपने इसमें प्लग इन करना है। बटन की अगर मैं बात करूँ, तो इस साइड कंपनी ने बटन दिया हुआ है, इस तरीके से ऑफ, इस तरीके से ऑन, ये आपका ऑन ऑफ का बटन हो गया। एक इसमें लाइट का इंडिकेटर है, जब इसे चालू करते हैं तो यहाँ पे एक लाइट का इंडिकेटर है, वो अपने आप रेड हो जाता है। और मेन बात क्या है, जो कि बहुत बढ़िया है, कंपनी के द्वारा दी गई है, अपने आप ऑटो कट हो जाता है। जी हाँ, जैसे कि आपने इसे प्लग इन किया, पानी डाल के, पानी बॉयल होगा और वो ऑटो कट हो जाएगा अपने आप। मेनली जो होती है इलेक्ट्रिक केटल, वो सिर्फ पानी गर्म करने के लिए होती है, बट इसके कई सारे एडवांटेजेस है, जैसे कि अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं ट्रैवलिंग में आप यूज करना चाहें, और आपने देखा होगा रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स आते हैं कहीं, जैसे कि हल्दीराम के आते हैं या MTC वगैरह, कहीं बड़े बड़े ब्रांड्स के रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स आते हैं, आप इसमें पानी डालिए, उसके अंदर वो प्रोडक्ट डालिए, वो प्रोडक्ट बिल्कुल आपका फ्रेश टाइप हो जाएगा, और आप उसे गर्म करके कंज्यूम कर सकते हैं, खा सकते हैं। ये इसके सारे रिव्यूज थे, अनबॉक्सिंग थी। अब मैं इसकी अगर प्राइसिंग की बात करूँ, प्राइसिंग जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत इकोनॉमिकल है, सबसे सस्ती और सबसे बढ़िया इलेक्ट्रिक केटल है। 1099 इसकी MRP है, जिसमें कि बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलता है। जी हाँ, ये तकरीबन आपको 550 से 600 रुपये, जस्ट 550 से 600 रुपए की रेंज में आपको इलेक्ट्रिक केटल मिल जाने वाली है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक को ओपन करके आप इसे अवेल कर सकते हैं। बहुत अच्छा इसमें डिस्काउंट है, बहुत अच्छे इसके प्राइजेस हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक केटल लेना चाहे, बिल्कुल डिले मत करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक ओपन करके आप इसे डायरेक्ट परचेज कर लीजिए। ये इसके सारे ऑल ओवर रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग थी। अब इसके अलावा अगर आप किसी और प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग या रिव्यू चाहें, तो मेरा कमेंट सेक्शन है, मेरा मेल सेक्शन है, आप मुझे मेल करके या कमेंट करके भी बता सकते हैं, ताकि और जल्दी जल्दी मैं उसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू आप लोगों के सामने पेश कर सकूं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और नए व्यूअर्स हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी नई नई वीडियोज आप तक रेगुलर पहुंचती रहे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।